छन्नी ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। तो सुई ने कहा, मेरे सिर में तो एक ही छेद है, पर बहन तेरे पेट में तो छेद ही छेद है। मतलब समझिए, दूसरों के भूलों को नजरअंदाज करना सीखो। परिवार में सुकून चाहिए, परिवार में सद्भाव चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, परिवार में खुशी चाहिए, परिवार में प्रसन्नता चाहिए। एक छोटी सी बात को ध्यान रखो, भगवान महावीर ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है, दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध दूध पी लिया करता है, पानी पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा, कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब झोपड़ी में, गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है, ढक्कन। अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। बच्चों से कहूंगा, अगर कभी तुम्हारे माँ बाप डांट दे, माँ बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने पर यह सोचना कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया, मैंने विधानसभा के संबोधन में जो मेरे सामने जन प्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा कि संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं, और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता। इतना भी निवेदन मैंने किया, गुस्सा नहीं करना और चुप रहना, किसी को जवाब मत देना। बोले पिताजी मैं करूंगी, और बाप को आश्वासन दे करके ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंच गई, ससुराल के किसी सदस्य ने उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, क्रोध नहीं आया, क्योंकि एक महीना की साधना करना थी। किसी ने देखा नहीं, किसी ने बात की, लेकिन उसने किसी पर क्रोध नहीं किया। बाप ने कहा था एक महीना क्रोध नहीं करना, चुप रही, काम काज में लग गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठी और उठ करके अपनी सास के सामने जाकर सास के चरण छुए और कहा, माँ, माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, आज का दिन
प्रेम से शांति से व्यतीत हो। सास ने देखा पांव छू रही है, इसको क्या हो गया। आजकल की महिलाओं को कभी अपनी सास के पैर छूने की नौबत आ जाए तो देखना कैसे पांव छूते। घर में शादी हो, विवाह हो, कोई प्रसंग हो और बहू को सास के पांव छूना हो तो पांव नहीं छूती, घुटना छूती है। पांव पांव छूने के लिए तो झुकना पड़ेगा ना, ज्यादा झुकेंगे तो कमर में दर्द होगा ना। पांव ना छूते, घुटने छूते। अरे पांव हम किसी के इसलिए छूते, संत के चरण हम इसलिए छूते हैं कि हम निवेदन करते हैं गुरुदेव गुरुदेव से कि गुरुदेव जो चरण में आचरण है, आपके चरण में जो आचरण है वो आचरण मेरे जीवन में भी आ जाए, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन जब कोई बहू घुटने छूती है तो मुझे लगता है कि बहू अपनी सास से कह रही है कि अम्मा आपके घुटने में जो दर्द है, तो बुजुर्गों के घुटने में सिवाय दर्द के और क्या होता बोलो है? मुझे लगता है वो कह रही है कि आपके घुटने में जो दर्द है वो मेरे पास नहीं है। चरण, मैं लोगों से कहता हूं आप सुबह उठ करके अपने गुरु को अपने मां बाप के प्रणाम करिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो मां बाप के चरणों में अपने घुटने टेकता है फिर उसे दुनिया में कहीं घुटने नहीं टेकना पड़ते। सुबह बहू उठी, जल्दी उठी। महिलाओं से निवेदन करूंगा आप सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, घर की लक्ष्मी सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ दे, लक्ष्मण थोड़ी देर से उठेगा चल जाएगा। कौन बोलो मजा आ गया, बहुत बेईमान हो तुम लोग। लक्ष्मण लक्ष्मण थोड़ी देर से उठेगा चल जाएगा, लेकिन घर की लक्ष्मी सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ दे। जिन घरों में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मी भी देर सुबह तक पड़ी रहती है उन घरों की असली लक्ष्मी रूठ करके चली जाया करती है। सुबह आप जल्दी उठिए, बहू सुबह जल्दी उठी, सास के पास गई, चरण स्पर्श किए और कहा माँ जी मुझे आशीष।